स्वाति मालीवाल और आप में आरोप प्रत्यारोप, आप पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप, बोली झूठ के लिए तो मैं कोर्ट लेकर जाऊंगी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले को लेकर लगातार बवाल मचा है। पार्टी और मालीवाल के बीच अब वार पलटवार भी जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद मालीवाल ने अब पार्टी के नेताओं पर झूठ फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति मालीवाल ने बीजेपी के इशारे पर विभव कुमार पर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज है और इसी कारण की वजह से वह बीजेपी के षड्यंत्र का चेहरा बन गई हैं। इन आरोपों पर अब स्वाति मालीवाल ने जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने यह सब किया है। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंगम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। उन्होंने आगे अपनी पोस्ट में लिखा है कि पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति मालीवाल की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। मेरे रिश्तेदारों को गाड़ी के नंबरों से उनकी डिटेल्स ट्वीट करवा कर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर, झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के लिए जुनून में ऐसा ना हो जाए कि सच सामने आए तो अपने परिवार से भी नजरें ना मिला पाओ। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में विशेष जांच यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। एडिशनल डीसीपी अंजिता चिपला इस टीम की अगुवाई करेंगी और उनके साथ 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एसएचओ भी शामिल होंगे। इस मामले में दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को गिरफ्तार भी कर चुकी है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े रहें, अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें तक खबरदार न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।